हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। जो कि हमारे पास अभी ओरिजिनल पेपर जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अभी निकल कर आया है, अभी जो देखिए आप लोग का नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसका आप लोग एक रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये क्वेश्चन आपको मिल सके, ठीक है। हालांकि हम लोग देखिए क्वेश्चन पेपर हमारा एक स्टूडेंट का एक हम लोग एक लॉगिन करके ये पेपर हम लोग पाया है, वहाँ पे सारी की सारी ओरिजिनल पेपर वहाँ पे दे रखा है। इसमें कोई मेंशन नहीं है, कोई बुकलेट नंबर या कोई भी नंबर वहाँ पे देखिए मेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए असिस्टेंट कम टेक्नीशियन फिटर ट्रेड का ये 2 घंटा समय लिए थे। एग्जाम जो क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन था, वहाँ पे हम लोग का रोल नंबर मेंशन भी नहीं है और OMR सीट नंबर मेंशन नहीं किया, हालांकि ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नीचे देखिए, ये हमारा पास टेक्निकल नॉलेज का जो बेसिक पॉइंट ऑफ फीचर्स है, ये आ गया आपका जो ओरिजिनल आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1 नंबर का जो दे रखा है क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। व्हिच पैटर्न ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हील रिम, ठीक है, उसका जो सही आंसर है आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सेगमेंटल पैटर्न। उसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कास्टिंग मेथड यूज्ड टू मेक डेंटल रेस्टोरेशन इज डैश, उसका जो सही आंसर है आप लोग देखिए ये जो डेंटल रेस्टोरेशन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हमारा पास सही आंसर है इन्वेस्टमेंट कैशिंग। उसका जो PDF लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, विथ भी उसका साथ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसका आंसर की, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इन ए सेंट्रल लेंथ, ठीक है, द स्पिंडल स्पीड विल बी द लोएस्ट ड्यूरिंग, ठीक है, द लोएस्ट ड्यूरिंग में जो लेंथ सेंट्रल लेंथ का जो स्पिंडल स्पीड क्या है, ठीक है, ये जो आंसर है हमारे पास टैपर टर्निंग, ठीक है, हमारा जिस टाइम में हम जो टैपिंग करते हैं उसी टाइम में ये लोएस्ट रहता है जो स्पिंडल लेंथ का मशीन सेंटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टैपर इज यूज्ड फॉर स्पिंडल नोज ऑफ द लेंथ हेडस्टॉक, ठीक है, हेडस्टॉक में कौन सा टैपर यूज होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं ये मोस्ट टैपर यूज होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही है, ठीक है। पहले हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं जो पहले पार्ट में जो ग्रुप सी का मैं डाला था एक वीडियो, उसके में ये क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 में जो दे रखा है, द टूल पोस्ट ऑफ द शार्पर इज माउंटेड ऑन डैश, ठीक है, ये जो आंसर है आप लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, क्लैपर बॉक्स, ठीक है, ये 100% क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं उसका भी आंसर की ऑफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका भी आंसर की ऑफिशियल आंसर की हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या तो ऑफिशियल वेबसाइट में ये भी अवेलेबल है। जो कि स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उसका भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, स्क्राइबर आर मेड ऑफ डैश, आप लोग का मैं पहले पार्ट में कह चुकी हूँ जो स्क्राइबर मेड किससे बनते हैं, ऑप्शन नंबर 2 TS, उसका मतलब है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए वहाँ पे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इन सैंड मोल्डिंग द टैप पोर्शन ऑफ मोल्ड इज नोन एज डैश, जो सैंड मशीन मोल्डिंग मशीन का जो टॉप पोर्शन मोल्ड को क्या कहा जाता है, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल थर्मोसेट, ये कौन सा है थर्मोसेट का एक उदाहरण है, ये जो आंसर है आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 2 पॉलीयुरेथेन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गाल्वनाइजिंग आयरन एंड जिंक सीट, सोल्डरिंग गाल्वनाइजिंग आयरन एंड जिंक सीट का जो फ्लक्स क्या है, उसका जो सही आंसर है आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, डाई इलेक्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड टू विथ, ठीक है, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, 2 हमारा सही है, मूवेबल जॉ, ठीक है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और मेरा भी एक वेबसाइट है, एनी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को मेरे वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट
examline.in, ठीक है, examline.in। ठीक है, www.examline.in। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ चीज़ें यूज फॉर कटिंग की हुए, जो कटिंग की हुए के लिए किस चीज़ को यूज करते हैं हम लोग, ये कैप चीजल, ठीक है, इसको उसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉसनट चीजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थे व्हिच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज फॉर टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, ठीक है, उसका जो सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, स्मूथ फाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे, द लेयर द लिवर टाइप ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, द लिवर टाइप ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा पास सही है, लिवर एंड स्क्रॉल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये रैक एंड पिनियन में पहले बता चुकी हूँ, ये वाला नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। उसका जो ऑफिशियल आंसर की आप लोग देख सकते हैं, ये सब राइट है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने में दे रखा है, फीड ऑफ द टूल इन द लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, रिवर्स एमएम बाय रिवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थिकनेस ऑफ द टूथ इन ए गियर इज मेजर्ड एलोंग द डैश, ठीक है, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पिच सर्कल, ठीक है, ये सही आंसर है पिच सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, TTIG होल्डिंग, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, द थर्मिक होल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1:3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश, एसिटिलीन गैस जो प्रोड्यूस होते हैं ये कैल्शियम कार्बाइड से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने में, द साइज ऑफ द गियर यूजुअली स्पेसिफाइड बाय डैश, ये आपके सामने में दे रखा है, इसका जो ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। चलिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच टाइप ऑफ स्कार्फर इज सुइटेबल रिमूविंग लार्जर क्वांटिटी, देखिए वहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लार्जर क्वांटिटी रिमूव करने कौन सा स्कार्फर हम लोग यूज करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, फ्लैट स्कार्फर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लीजिए, और मेरे चैनल को इसी टाइप का वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और आप दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, ठीक है, एल्यूमिनियम कौन सा धातु में एक्सट्रैक्टेड होती है या निकलते हैं, जो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा पास सही हो जाएगा, बॉक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, द सरफेस गेज यूज फॉर डैश, द सरफेस गेज किस में यूज होती हैं, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग पहले बता चुके हैं मार्किंग प्रपोज के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियली तरफ से ये निकल कर आए हैं आंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रूइंग की, एक्चुअली ये क्या है हम लोग का ठीक से पता नहीं, आप लोग का मालूम है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिल साइज ऑफ द फॉर M20 टैप का जो ड्रिल साइज कितना होगा, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 17.5 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डैश इज यूज्ड फॉर जॉइंट टू पीस ऑफ रोप इक्वल डायमीटर, ठीक है, उसमें जो पहले जो वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर नॉट, ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सो ब्लेड ऑफ डैश सुइटेबल फॉर शीट मेटल ट्यूबिंग, हमारा जो पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है ऑप्शन नंबर, उसका जो हमारे जो पहले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं डी आंसर कहलाता है, ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्चुअल डी आंसर है, 32 per TPI, ठीक है, टूथ पर इंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सामने में, द हार्डनेस, ठीक है, द हार्डनेस ऑफ द फ्लैट बेड यूज टू मेजर, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोर सेलोस्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सामने में, इरेगुलर शेप वर्कपीस इज क्लैम्प्ड ऑन द लेद इन डैश, जो इरेगुलर वर्कपीस हम लोग क्लैम्प करते हैं लेद में, कौन सा प्लेट में क्लैम्प करते हैं,
या फोर जो चक या कलेक्ट चक मैंड्रल और फेस प्लेट, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर जो चक। उसका मतलब है किसको बोलते हैं फोर जो चक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 28 नंबर का है, फोर जो चक इज ऑल्सो नोन एज डैश, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जो चक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर जो चक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो चक, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर की में आपको ये देखने को मिलेगा सेल्फ सेंटरिंग चक, ये वाला गलत है क्योंकि ये थ्री जो चक होता है। ठीक है, जो भी एग्जाम देते हैं ये ऑफिशियली तरफ से ये क्वेश्चन निकल कर आया है, मेरे हिसाब से ये गलत होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा हमारे आपके लिए आप लोग देख लीजिए और हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिए क्या क्या ठीक है और क्या क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डैश, जो टेम्परिंग होते हैं जो रिमूविंग, कौन सा प्रॉपर्टी रिमूव होता है जो मेटल मेटल जो कि रिमूव होते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी रिमूव होते हैं, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस को कम करते हैं। ठीक है, टेम्परिंग के बारे में, टेम्परिंग की होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग प्रोसेस, ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज व्हेन द फोर्स एक्ट एंटायरली वन डायरेक्शन, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बटर थ्रेड। मैं एक भी बात कह चुकी हूँ, जो बटर थ्रेड का जो कितना एंगल है, वीडियो वन में जो देखा नहीं आप लोग जरूर देख लीजिए है। ठीक है, बटर थ्रेड का एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में फाइल ड्रिलिंग, फाइल ड्रिलिंग लेथ ड्रिलिंग हेल्ड इन डैश, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्या है टेल स्टॉक। ठीक है, टेल स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट लेथ माउंटेड ऑन डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैडल। ठीक है, सैडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लो हेलिक्स ड्रिल और स्लो स्पाइरल एंगल ड्रिल टाइपिकली हैव व्हाट हेलिक्स, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 डिग्री। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए 35 नंबर का दे रखा है इन रिबिटेड जॉइंट, ठीक है, इन रिबिटेड जॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एडजेसेंट रिबिट सेम रो आज इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल एंड वर्कपीस इज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मीनिंग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ट्रांसमिशन फिट, कौन सा कैटेगरी जो अंडर ट्रांसमिशन फिट में कैटेगरी आते हैं, उसका जो सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए रिंगिंग टिप्स जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द स्लाइडिंग सरफेस लेथ ब्लेड, ठीक है, द स्लाइडिंग सरफेस लेथ ब्लेड कौन सा में पाए जाते हैं, ये हार्डेंड फ्लेम हार्डेंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कंपोनेंट इन बॉल बेयरिंग दैट सेपरेटेड द बॉल एंड मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग इज डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी केज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज फॉर स्टील बॉल ऑफ ए बॉल बेयरिंग इज कॉल्ड डैश, ठीक है, ये जो ग्राइंडिंग प्रोसेस जो स्टील बॉल बनाने के लिए, इस जो बॉल बेयरिंग जो प्रोसेस को क्या कहते हैं और क्या यूज करते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस का, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंट्रललेस ग्राइंडिंग। ठीक है, सेंट्रललेस ग्राइंडिंग उसका सही आंसर है ऑफिशियल तौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू डैश, एज हार्डनिंग जो एज हार्डनिंग होता है उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूरालियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टिफनेस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग एंगल चिजल चिपिंग कास्ट स्टील, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 डिग्री। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन, टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए 232 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लक्स ब्लास्ट फर्नेस, जो कौन सा ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, ये ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन, जिसको बोलते हैं कली चूना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टाम्पिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए सेलो रिलीफ डिजाइन शीट मेटल इज डैश, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्बोसिंग। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने में क्रैंक शाफ्ट रोटेटिंग इन द जर्नल बियरिंग ऑफ एन इंजिन फ्रॉम डैश, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टर्निंग, जो टर्निंग पेयर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इन स्टीम इंजन द पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड क्रॉस हेल्ड मीन बाय डैश, कौन सा जॉइंट में जो स्टीम इंजन में पिस्टन रॉड यूज होते हैं, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉटर जॉइंट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग व्हिच अलाउ पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्ज एंगल डैश, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यूनिवर्सल कपलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है लिंसेड एक्ट एज ए बाय आन इज डैश इन कोर मेकिंग ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइंडर। ठीक है मैं वीडियो वन में कह चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द पावर फ्रॉम द लैंड स्क्रू टू कैरियज इन लेड इन ट्रांसमिशन थ्रू डैश, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाफ नॉट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव, आप लोग सबको मालूम होगा आर्टिफिशियल एब्रेसिव क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओल्डर स्पार्टर इज काइंड ऑफ डैश, जो ओल्डर में स्पार्टर होते हैं ये कौन सा डिफेक्ट के लिए होते हैं, ये ओल्डिंग डिफेक्ट के लिए होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्रास इज एन एलोय कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय डैश, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल डैश, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने में द टूल मेड ऑफ कार्बाइड वेयर आउट फास्टर ऑफ डैश, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लो स्पीड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन स्पॉट होल्डिंग द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ डैश, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है कॉपर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वैक्स पैटर्न इज यूज इन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए वैक्स पैटर्न यूज होते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वल्कनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एडिंग, जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, रबर में सल्फर को मिसाने के लिए जो मिलाने के लिए कहते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मशीनिंग मेथड व्हिच यूज एब्रेसिव स्लरी, ठीक है जो मशीनिंग मेथड जिसको बोलते हैं एब्रेसिव स्लरी यूज के लिए, इसको क्या कहता है, इसको मेथड को, ये मेथड को कहता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में इन ड्रॉइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो ड्यू टू, उसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है प्लास्टिसिटी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वेट ऑफ स्लेज हैमर वेरियस बिटवीन, जो स्लेज हैमर का जो वेट कितना होगा, चार से 10 kg बीच में होगा। ठीक है स्लेज हैमर हम किसने यूज करते हैं, फॉर्जिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैप्सन, कौन सा पार्ट हम लोग कैप्सन लेद के लिए यूज नहीं करते हैं, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है टेलस्टोक। ठीक है चलिए टेलस्टोक। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गियर्स इज यूज टू क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग बाय मीन्स डैश प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना जो क्लॉक
एम वाय वाला जो गियर यूज होते हैं ये कौन सा गियर प्रोसेस का यूज होते हैं, ये जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टाम्पिंग प्रोसेस। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हुई ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज जिग, जिग में हम लोग कौन सा प्रोसेस नहीं करते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं हम लोग टैपिंग कर सकते हैं, रेमिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, यानी टर्निंग नहीं करते हैं। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ इनकरप्टेड इन, उसका जो सही आंसर हो जाएगा स्लॉटिंग मशीन। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कॉन्वेक्स कॉन्वेयर्स आर एक्सट्रीमली यूज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन फैक्ट्री, उसका जो सही आंसर है एक्चुअली ऑफिशियल तरफ से ये वाला दे रखा है प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है ये जो हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं फिक्स पोजिशन लेआउट, ये वाला आंसर गलत है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने में, द थिकनेस ऑफ द फुलरिंग टूल अबाउट टू डैश इज प्लेट। ठीक है उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है यानी सेम, ठीक है प्लेट की सेम हो गया फिलरिंग जो टूल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, द डिजाइन ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट डन ऑन ए बेसिक, उसका जो डिजाइन होता है जो पैरेलल फिलेट का डिजाइन ये कौन सा बेसिक पे काम करते हैं, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल स्ट्रेंथ। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फास्टनर हैज बोथ थ्रेड एंड बोथ एंड थ्रेड। ठीक है कौन सा फास्टनर बोथ एंड थ्रेड में होते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है स्टड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ स्लॉट इन 25 mm कास्टल नॉट, जो कितना स्लॉट होता है जो 25 mm कास्टल नॉट का कितना स्लॉट होता है। आप लोग तो सभी लोग को पता होगा ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मूड्स मेटल कंटेन कॉपर एंड जिंक रेशियो डैश, मूड्स मेटल ये कौन सा धातु का होता है, ये एक ब्रास का है। ठीक है ब्रास का मेटल है, ब्रास में जो जितना भी है ये मूड्स मेटल में और ज़्यादा बढ़ाते हैं जो लिमिट के लिए, कॉपर का लिमिट कितना है और जिंक का लिमिट कितना है, कॉपर का यदि 60% बनाते हैं और जिंक का कितना हो जाएगा 40%। ठीक है उसको काटने के बाद आप लोगों को क्या पाए जाते हैं 3:2 में रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, बोल्ट शॉट डिफेक्ट इन कास्टिंग प्रोसेस ऑकर्स ड्यू टू डैश। ठीक है उसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है थर्मल एक्सपेंसिंग मोल्डिंग सैंड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज, उसका जो सही आंसर मैं कह चुकी हूँ, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉलरेंस। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, अप्रोप्रिएट टूल यूज फॉर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन इज डैश, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग। ठीक है काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने में, साइन बार इज यूज फॉर डैश, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइंडिंग द एंगल टैपर जॉब। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट शोल्डर लैंड इज डैश लीड एंड डैश, लीड के लिए सॉफ्ट शोल्डर और कौन सा धातु मिला जाता है, ये जो धातु है आप लोग सामने ऑप्शन नंबर ए टीन, लीड एंड टीन बन मिल के दोनों बनाते हैं क्या सॉफ्ट शोल्डर। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच पंच इज यूज फॉर मार्किंग द सेंटर वेयर्स डिवाइडेड आर बी यूज। ठीक है मार्किंग पर्पज के लिए जो पंच यूज होते हैं जो सेंटर डिवाइड जो सेंटर को पॉइंट आउट करने के लिए, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉट पंच। ठीक है ये डॉट पंच डॉट करने के लिए डॉट पंच दे रखा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने में, हु एमंग द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन ओडिशा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, उसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी ठीक है नवीन पटनायक जी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, डैश इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाय एरिया, ओडिशा में जो एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मयूरभंज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वन ऑफ द मेजर रिवर स्टेट इन ओडिशा, कौन सा रिवर है जो चार ऑप्शन में दे रखा है ओडिशा में बड़ा है मेजर रिवर जो होते हैं, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है ऋषिकुल्या। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा में भितरकनिका जो अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है केंद्रापड़ा। ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा वॉज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर, उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द 16 मिनिस्टर मीटिंग द एशिया कॉर्पोरेशन डायलॉग ACD वॉज हेल्ड इन डैश, मैं कह चुकी हूँ उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वातर यानी दोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन सिटी इज होस्ट 18 एशियन यूथ वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, उसका जो सही आंसर है क्या होगा, 87 नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जिसको बोलते हैं पिंक सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, ATAT का जो नंबर है, हु टुक चार्ज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो MCX में 2019 में MCX का जो कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर भार संभाला है, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सो है जगह PS रेड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड डैश साइंड द प्रोटोकॉल फॉर एक्सपोर्ट इंडियन चिल्ली मिल इन 19 इंडियन चिल्ली मिल इन मेन 2019, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाइना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु वन द ऑरेंज कैप स्कोरिंग हाईएस्ट रन IPL 2019 में, जो हाईएस्ट रन के लिए ऑरेंज कैप किसको मिल रहा है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, ये मैथ में आ रहा है, जो 91, 92, 93, 94, 95 ये जो पांच का जो मैथ क्वेश्चन मैं पूरी की पूरी एनालिसिस करके समझा रहा हूँ, किसमें जो हमारा सेल का जो वीडियो पार्ट आया था उसमें सारी की सारी डिस्कशन कर चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखा तो उसमें जाइए और इसी मैथ को आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि समझ आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96 का जो इंग्लिश का पार्ट है 96 से शुरू होते हैं, किसको बोलते हैं चूज मिस प्लेट वार्ड, उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा पास सही है, मिस मिलेनियम, ठीक है, मिस प्लेट वार्ड का जो मिलेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड व्हिच विल सूट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट LMNO, ठीक है, रीअरेंजिंग इट प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, उसका जो एक्चुअली सही आंसर हो जाएगा ऑफिशियल तरफ से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कौन है प्रोफिशिएंट, उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी स्किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इंडस्ट्रियस, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है लेजी, ठीक है। चलिए हमारे जो ख़त्म हो चुके हैं जो 100 क्वेश्चन हमारा सेल की जो अभी निकल थे जो RSP जो फिटर ट्रेड का, ये सारी की सारी जो क्वेश्चन था आप लोग जरूर देखा कीजिए, और हमारा अच्छा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए और इसको भी लाइक कीजिए और आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक नहीं जोड़ा तो आप लोग जोड़ जाइए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।